हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर है और आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेजने वाले हो, सो गाइस इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए। गाइस, ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया है तो भी इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, जब कोई क्रिएटर यूट्यूब पे आता है तो उसे दो माइलस्टोन कंप्लीट करना पड़ता है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। एक है 1000 सब्सक्राइबर्स और दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम। जब ये दो माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है आपके चैनल पर, तभी वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेजता है। और अंडर रिव्यू में जाने के बाद यूट्यूब पे दो चीजें चेक किया जाता है, एक है मिसलीडिंग डेटा और दूसरा रीयूज कंटेंट। अगर आपके चैनल पर ये दो चीजें नहीं पाई जाती है तो आपके चैनल जो है वो मोनेटाइज कर दिया जाता है, नहीं तो आपके चैनल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो गाइस, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता होगा, क्या हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या वेबसाइट से या किसी भी पैनल से 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो हम अगर खरीदते हैं तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा भी या नहीं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर आपकी डाउट क्लियर कर दूँ। आपका सब्सक्राइबर कहीं से भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वॉच टाइम किस तरह से लाए हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपके चैनल पर दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक है रीयूज कंटेंट और दूसरा मिसलीडिंग डेटा। ये दो चीजें अगर आपके चैनल पर नहीं होता है तो आप कहीं से भी वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स लाए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि हम रीयूज कंटेंट और मिसलीडिंग मेटा डेटा क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बता दे कि रीयूज कंटेंट जो होता है वो होता है आपने किसी भी चीज को, किसी का भी कंटेंट को यूट्यूब से डाउनलोड करके या किसी भी जगह से डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। यूट्यूब के पास रिव्यू में जाता है तो जब देखता है कि रीयूज कंटेंट आपके चैनल पर आए तो कहते हैं ये तो कॉपी पेस्ट वाला जो काम है वो कर दिया है, इस पे कोई भी काम मेहनत नहीं किया गया है, ये तो कॉपी पेस्ट वाला काम है, अपना वॉयस ओवर भी नहीं किया, कुछ भी बताया नहीं इसके बारे में। तो इसे अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, किसी का भी वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं तो वो रीयूज कंटेंट में आता है, इससे आपके चैनल जो है मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब दूसरा आता है मिसलीडिंग मेटा डेटा। दोस्तों, मिसलीडिंग मेटा डेटा ये होता है कि आप वीडियो में कुछ बता रहे हैं और आपके टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कुछ और बता रहे हैं, यानी आपने वीडियो में एग्जांपल के तौर पर आप वीडियो में बता रहे हैं अपने ब्लॉगिंग के बारे में, आपने ब्लॉगिंग का वीडियो बनाया और वहाँ पर टाइटल में कुछ और डाल रहे हैं, थंबनेल में कुछ और लिख रहे हैं कि थंबनेल में लिखा आप वही मूवी कैसे देखें, तो ये जो होता है मिसलीडिंग मेटा डेटा, वीडियो में कुछ और बताया जाता है और आपके टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन कुछ और बताते हैं, दोस्तों ये होता है मिसलीडिंग डेटा। अगर ये दो चीजें आपके चैनल पर नहीं पाई जाती है तो आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाने के बाद बड़ी आसानी से मोनेटाइज हो जाता है। सो गाइस, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।